हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द रिपोस्टॉक। हाजिर आपका दोस्त फिर एक बार न्यू और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के साथ। दोस्तों, सीबीएसई क्लास 10th और 12th के रिजल्ट एक्सपेक्टेड है कि जनवरी के मिड में आपके अनाउंस हो सकते हैं, लेकिन यहां पर आज के वीडियो में मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं कि आप सीबीएसई टर्म 1 के रिजल्ट को कैसे इवेल्युएट कर सकते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखना और चैनल पर पहली बार विजिट करो तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना, क्योंकि इसी तरीके से सीबीएसई के सारे अपडेट्स मैं अपनी इस चैनल पर लगातार शेयर करता रहता हूं। तो चलिए विदाउट डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, यहां पर मैं आपके साथ 6 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को शेयर करने वाला हूं, जिसमें सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सीबीएसई टर्म 1 क्लास 10th और 12th रिजल्ट विल कंटेन अ मिनिमम 50% वेटेज इन द फाइनल रिजल्ट एंड नो स्टूडेंट विल बी फेल इन टर्म 1। तो यहाँ पे काफी अच्छी और काफी बड़ी बात बताई गई है कि सीबीएसई के जो टर्म 1 का एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ है क्लास 10th और 12th का, जिसमें आपके 50% वेटेज इसमें कंसीडर किया जाएगा आपके रिजल्ट को एवेल्यूट करने के लिए। और इसी में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि इसमें कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर फेल नहीं किया जाएगा, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है, द मार्क्स इन टर्म 1 विल ऑल्सो इंक्लूड द इंटरनल असेसमेंट मार्क्स इन वेरियस सब्जेक्ट अवॉर्डेड टू स्टूडेंट बाय स्कूल्स। तो यहाँ पर आपके टर्म 1 के एग्जामिनेशन में आप इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स भी इंक्लूड किए जाएंगे, जो कि आपके रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट के हिसाब से रहेंगे। अगेन यहाँ पर एक और पॉइंट को इंक्लूड किया गया है, द एब्सेंटीज विल नॉट बी प्रोवाइडेड एनी एवरेज मार्क्स दिस टाइम, हाउएवर द कैलकुलेशन ऑफ द फाइनल स्कोर कार्ड विल बी डिसाइडेड बाय द सीबीएसई। तो यहाँ पर जो भी स्टूडेंट सीबीएसई टर्म 1 के एग्जामिनेशन में एब्सेंट रहे होंगे, उनको यहाँ पर कोई भी एवरेज मार्क्स नहीं दिए जाएंगे इस टाइम में, और आपके इवोल्यूशन का जो भी कैलकुलेशन रहेगा उसका फाइनल डिसीजन रहेगा सीबीएसई का, उसमें किसी का भी इंटरप्शन नहीं चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, द स्टूडेंट विल नॉट गेट द मार्कशीट दिस टाइम, द फाइनल मार्कशीट विल बी रिलीज आफ्टर टर्म 2 एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर आपको टर्म 1 की एग्जामिनेशन की मार्कशीट नहीं बताई जाएगी, जो भी आपकी एग्जामिनेशन की मार्कशीट रहेगी वो टर्म 2 के एग्जामिनेशन के बाद फाइनल मार्कशीट रहेगी, वही आपको यहाँ पर शो की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है, सीबीएसई टर्म 2 एग्जाम विल बी हेल्ड इन अप्रैल एंड मई डिपेंडिंग ऑन द कोविड-19 सिचुएशन, द पेपर विल बी बेस्ड ऑन एमसीक्यू एंड लॉन्ग बेस्ड क्वेश्चंस। तो यहाँ पर इस पॉइंट में आपकी 2 से 3 बातें क्लियर होती है, जैसे कि सीबीएसई टर्म 2 का एग्जामिनेशन आपका एक्सपेक्टेड है कि अप्रैल और मई में कंडक्ट हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द कोविड-19 सिचुएशन, और जो आपका पेपर रहेगा वो 2 पैटर्न में रहेगा, एमसीक्यू टाइप और दूसरा रहेगा लॉन्ग बेस्ड टाइप क्वेश्चंस में। तो ये 2 चीजें आपकी यहाँ पर क्लियर होती है, राइट। एंड फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द सीबीएसई टर्म 2 डेट शीट विल बी रिलीज्ड आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ टर्म 1 रिजल्ट। तो यहाँ पर एक और चीज क्लियर हो जाती है कि सीबीएसई टर्म 1 का रिजल्ट जब आपका डिक्लेयर होगा, उसके बाद ही आपके सीबीएसई टर्म 2 की डेट शीट रिलीज की जाएगी सीबीएसई के द्वारा, द बोर्ड एग्जाम शेड्यूल विल बी रिलीज बाय फरवरी। और एक्सपेक्टेड है कि आपके जो बोर्ड एग्जाम का शेड्यूल है वो फरवरी में सीबीएसई की ओर से रिलीज किया जा सकता है। दोस्तों, ये थे सीबीएसई टर्म 1 और टर्म 2 के एग्जामिनेशन की एवोल्यूशन की कुछ अपडेट्स। फर्दर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी जरूर से क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, बने रहेगा मेरे साथ टॉपर स्टॉक में।